أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم اردو کلاس 7 آج ہم اس کا لیکچر نمبر 6 کریں گے تو سب سے پہلے بچوں آپ اردو کتاب کی فہرست اوپن کریں ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سا چیپٹر آج کریں گے आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 करेंगे और ये चैप्टर नंबर 6 है। अब क्या करूँ, पेज नंबर 31। इसमें हम बच्चों मानी सीखेंगे, सवालात के जवाब लिखना और दुरुस्त जवाब की निशानदेही करेंगे, अबारत पढ़कर सवालात के जवाब देना और दिए हुए मौजू सूरत हाल पर बातचीत भी होगी। उसके अलावा हम लाके का तसव्वुर, हरूफ़े इल्लत का तसव्वुर करेंगे, अशार को मद्देनज़र, फिर हम अशार को मद्देनज़र रखते हुए मज़मून लिखना और दिए हुए मौजू पर नोट वगैरह लिखना, वो भी इसी सबक में होगा। और फिर ये अमली सरगर्मी में आप जो है वो सबक को ड्रामे की सूरत में पेश कर सकते हैं और फिर एक दिए हुए मौजू पर तकरीर लिख सकते हैं। तो आइए पेज नंबर आप 31 ओपन करें। बच्चों सबक है अब क्या करूं, और सबक पढ़ने के मकासद आपको मालूम है, अच्छी और बुरी आदत के बारे में आप इस तरह जान सकेंगे और फिर कोई भी बात सुनकर मालूमात अखज कर सकेंगे और ख़ुद को जवाब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर सकेंगे। अबारत को रवानी और ज़ेरोबम दुरुस्त लहजे और मुनासिब रफ्तार के साथ मसलसल पढ़ सकेंगे। किसी भी अखलाकी मौजू पर अपने इल्म और मुशाहदे की रोशनी में सामईन के सामने दुरुस्त तलफ्फुज़ और लब व लहजे के साथ कम अज़ कम 2 मिनट तक तकरीर कर सकें। लाके का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बनाना आप सीख सकें, हरूफ इल्लत का इस्तेमाल कर सकें और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल वाक़ियात पर अपने तजुर्बात में शायदात की रोशनी में बातचीत में हिस्सा ले सकें। ये थे इस सबक के मकासद, और आपको कोशिश भी करनी चाहिए कि हम जो मकासद को जिन मकासद को सामने रखते हुए हम कोई भी काम करें तो कम अज़ कम अगर तमाम नहीं तो उसमें से ज़्यादा मकासद को हासिल करने की कोशिश करें। सबक के अहम अल्फाज होंगे नोक जोंक, जां फिजा, दिल फरेब, तेवर, तेवर के बाद है मसदाक, नाजुक अंदाम, हारदार, आहो बका, अजियत। ये थे इसके अहम अल्फाज। और दूसरों की मदद करने के 2 फ़ायदे बताएं और दूसरों की मदद किन किन तरीक़ों से की जा सकती है, ये बच्चों आपके लिए सोचने का सोचने वाली बात है कि आप दूसरों की मदद करने के 2 फ़ायदे बताएंगी। 2 फ़ायदे कौन से हो सकते हैं? एक, जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो दरअसल हम अपनी मदद आप कर रहे होते हैं, यानी हम कभी ना कभी हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है तो क्या पता दूसरा हमारी मदद कर दे। और फिर इसके 2 फ़ायदे क्या हैं, आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है, हमें दूसरों के मसाइल का एहसास होता है। और दूसरों की मदद किन तरीक़ों से, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छी बात करके, उसके मसाइल सुनकर, और पैसे के ज़रिए भी हम किसी के मसाइल हल कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा वक्त देकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो मदद करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। बच्चों आपको मालूम है रीडिंग बहुत लंबी है, तो आप सिर्फ मैं आपको पहले पहरे पर जो रीडिंग है वो पहले पेज पर जो रीडिंग है वो आपको करवाऊंगी और उसके बाद आपने तमाम रीडिंग खुद करनी है और आप कहानी का तमाम काम जो है वो कर सकेंगे। तो देखें, दरिया के किनारे वाकया घने जंगल में लातादार सायादार दरख्त थे जिनके साय में अनवा इकसाम के जानवर और परिंदे अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। इस जंगल में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया वाफर मकदार में मौजूद थीं। सब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, हाँ मगर कभी कभार किसी न किसी में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो जाती थी। इसी तरह की खटी मीठी बातों में जंगल का निज़ाम चल रहा था।
इस जंगल में एक नन्ना मुन्ना हाथी अपने वालदेन के साथ रहता था। नन्हे हाथी का नाम गट्टू था। वो सारा दिन दरख्तों के नम पत्ते चबाता और घूमता फिरता मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दफ़ा नन्हे गट्टू ने ना जाने कहाँ से सुन लिया कि चांदनी रात में आसमान से परियां उतरती हैं और इस वक्त का मंजर बेहद जाँफिजा और दिलकश होता है। इसके दिल में इस खूबसूरत मंजर को देखने का शौक पैदा हुआ, मगर वो अपनी अम्मी जान की वजह से मजबूर था क्योंकि उन्होंने इसे रात के वक्त घर से बाहर निकलने की सख्ती से ममानत कर रखी थी। ममानत करना यानी कि घर से निकलने पर पाबंदी लगाना, मना कर देना। एक दफ़ा परियां देखने के लिए इसका दिल शदीद मचला यानी बेचैन हुआ कि वो हर सूरत परियां देखेगा। वो नज़र बचा कर दबे पाँव घर से बाहर निकल गया। बच्चों, जब वो नन्हा हाथी घर से बाहर निकला तो उसको बाहर का मंज़र बहुत खूबसूरत लगा। वो उस मंज़र में खो ही गया। फिर कभी वो झील में जाकर और बड़ी मस्ती से और अपनी सूंड और कानों को झटकता और पानी को इधर उधर मारता और वो बहुत मज़े कर रहा था। उसको घर जाने का होश ही नहीं रहा। और फिर अचानक मौसम ने तेवर जब बदले तो हर तरफ रात की तारीकी थी और मौसम ख़राब हो गया था। साहब जो है आसमान पर बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। वो बेचारा परेशान हो गया कि मैं कैसे जाऊँ। तभी उसने एक गार में पना ली, लेकिन गार में जाने के बाद उसको मालूम हुआ कि वहाँ हर तरफ हादार झाड़ियाँ हैं। वो बिल्कुल फंस कर रह गया और हादार झाड़ियाँ जो हैं उसको तकलीफ़ देने लगी और उसके जिस्म से खून भी रसने लगा। इसी कश्मकश में सारी रात बीत गई। बेचारा वो रोता रहा और सुबह जब वहाँ से कट्टू बेगम का गुज़र हुआ तो उसने देखा कि नन्ना हाथी यहाँ पे है। तो उसने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि मैं यहाँ आया था रात को, लेकिन तूफ़ानी बारिश में फंस गया हूँ। तो अब इतनी हादार झाड़ियाँ हैं, मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। तो उसने कहा कि मैं तो इतनी नाजुक हूँ, मैं तुम्हें कैसे निकाल सकती हूँ यहाँ से? तो मैं तुम्हें किसी और जानवर को कहती हूँ तो वो तुम्हें निकालेगा। लेकिन वो आगे गई और वो भूल गई, यानी उसको कोई एहसास ही ना हुआ कि उसने किसी से वादा किया है। इतने में वहाँ से एक हिरन गुजरा तो उसने देखा, तो उसको भी गट्टू ने कहा कि मुझे तुम यहाँ से बाहर निकालो झाड़ियों में। उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी जानवर को भेज दूँगा, लेकिन हिरन भी आगे जाकर भूल गया और उसने उसकी कोई मदद नहीं की। गट्टू बिल्कुल ही अब नाउमीद हो गया था और बस उसको लग रहा था जैसे वो यहीं पे इन झाड़ियों में फंस कर मर जाएगा। तो इतने में वहाँ से एक छोटा सा खरगोश गुजरा। खरगोश ने जो उसको देखा तो बहुत परेशान हुआ और भागा भागा वापस अपने साथियों के पास गया और अपने साथियों को लेकर वहाँ आ पहुँचा। और उन्होंने बहुत खींच खींच के और झाड़ियों को इधर उधर करके, और वो खुद भी इस कोशिश में बेहद ज़ख्मी हुए, लेकिन उन छोटे खरगोशों ने हिम्मत नहीं हारी और गट्टू को मौत के मुंह से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। और उसके बाद गट्टू की आंखों में तशक्कर के आंसू, यानी वो शुक्र और एहसान मंदी के आंसू उसकी आंखों में आ गए और उसने कहा कि आप लोगों ने मेरी जान अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है, मैं ये आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा, तो आपके काम आना, मैं खुशनसीबी समझूंगा। बच्चों, यहाँ ये बात भी है कि अगर गट्टू पे उन्होंने एहसान किया है तो गट्टू को उस एहसान का एहसास था कि इतनी मुश्किल वक्त में उन्होंने उसकी मदद की है। तो इन तमाम बातों के जवाब में खरगोश मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी बेगानों जैसी बातें नहीं करते, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। इसी तरह कुछ अर्सा बीत गया तो जंगल में बहुत सख्त जो है दर्जा हरारत बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ा कि जंगल में आग की शक्ल अख्तियार कर ली उसने और जंगल में आग लग गई। तमाम जानवर जो हैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, हर तरफ जानवरों की ही आवाज़ें गूंज रही थी। तो इतने में क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक छोटा खरगोश जो है वो फंसा हुआ और बचाओ बचाओ की सदा लगा रहा था। गट्टू ने देखा तो उसने बहुत जोर लगाया लेकिन दरख्त नहीं हटा सका। तो उसके बाप ने गट्टू के बाप ने अपनी सूंड की मदद से जोर लगाया और दरख्त को दूसरी तरफ फेंक दिया और खरगोश को गट्टू ने अपनी सूंड की मदद से अपने सर पर बिठा के बचा लिया। तो उसने खरगोश ने भी जवाबन बहुत शुक्र अदा किया और शुक्रिया कहते हुए कहा कि आपने मेरी जान बचाई है,
है और मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। तो गट्टू कहने लगा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ऐसे बिगानों जैसी बात नहीं करते, ये तो मेरा फ़र्ज था। तो दोनों हंसते हुए अपने रास्ते पर हो लिया। बच्चों ये एक थी कहानी। और अब आप खुद सोचें कि हम जब भी किसी, यही बिल्कुल इसी तरह के हालात इंसानों के साथ पेश आते हैं, हम जब भी किसी को मुसीबत में गिरा हुआ देखते हैं तो हमें दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सामने रखकर सोचना चाहिए कि हम पर कभी ना कभी ये वक्त आ सकता है। अगर हम आज किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल क्या हमारी कोई मदद कर सकता है? तो आपने जहन में कुछ बातें ज़रूर रखनी हैं और उनका जवाब भी देना है। जैसे इस कहानी में किन किन बुरी आदतों का ज़िक्र हुआ है और सबक में बताया गया है कि चांदनी रात का मंजर अपने अल्फाज में बयान किया, तो उन इस जो चांदनी रात का मंजर था वो आपने अपने अल्फाज में बताना है। और नन्हे खरगोश की जगह अगर आप होते तो क्या करते? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर जी रूह चीज़ के साथ उसने सलूक पर अजर है। यानी हम दूसरों के साथ जब भी कोई नेकी करते हैं तो हमें उसका अजर ज़रूर मिलता है। बच्चों पेज नंबर 34 पे आएँ और फिर हम तफ़ीम और अल्फाज मानी वगैरह करते हैं। खास अल्फाज में देखिए, अल्फाज में है दिल नशीन, खूबसूरत, प्यारा, नमूदार होना, ज़ाहिर होना, आयां होना, हमरा, साथ, हर सू, हर तरफ, हारदार, कांटों से भरा हुआ, आसमान से गिरा, खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना, आफत, मुसीबत, फरामोश करना, भुला देना और मुब्तला, गिरफ्तार या फंसा हुआ। बच्चों आगे तफ़ीम है और सेवन्थ क्लास, चूँकि आपका लेवल भी बड़ा है तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको गौर और गौर से पढ़ें ताकि हमें ये तफ़ीम के जवाब हम इसी सबक में से ढूंढ कर लिख कर और जुमलों को तरतीब देकर हमें आना चाहिए। तो मैंने आज अलग से शीट पे नहीं लिखे और कोशिश किया है कि बहुत सारे सवालों के जवाब यहीं से हो गए हैं और जो नहीं हुए वो आपके लिए आपका होम टास्क भी होगा। पहला सवाल है, नन्हे गट्टू ने चांदनी रात के बारे में क्या सुन रखा था? पेज नंबर 31 पे इसका आंसर देखें। चांदनी रात उसने ये सुन रखा था जी कि चांदनी रात में आसमान से परियां उतरती हैं और इस वक्त का मंजर बेहद जहाँ फिजा और दिलकश होता है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल देखें, नन्ना गट्टू किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था? इसका आंसर मैंने यहीं पे देखें शॉर्ट करके लिखा है, वो हारदार झाड़ियों में फंस गया था। बच्चों जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको गौर करना चाहिए कि कौन किस सवाल का जवाब किस क्या है और कहाँ है, और आपको इस काबिल होना है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप तफ़ीम को खुद हल कर सकें। सवाल नंबर 3 है, कट्टू बेगम ने गट्टू को मुसीबत में देखकर क्या पूछा और गट्टू ने क्या जवाब दिया? यहाँ देखें आप पेज नंबर 32 पे नीचे इसका तीसरे सवाल का जवाब है, अरे मियाँ ये तुम गार में कैसे पहुँचे? उसने कट्टू बेगम ने ये पूछा था। तो ये सुनकर गट्टू ने सर्द आह भरी और बोला, मैं कल चांदनी रात से लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए घर से बाहर निकला था मगर तूफ़ानी बारिश के बायस इस गार में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। मुझे क्या पता था कि यहाँ इतनी हादार झाड़ियाँ होंगी, मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया है, मैं बहुत अजियत में हूँ, खुदारा मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ तक आपके तीसरे सवाल का जवाब है। आपका चौथा सवाल है, गट्टू की मदद किसने की और किस तरह की? यहाँ आपका पेज नंबर 33 पे सवाल नंबर 4 देखें उसका जवाब, एक खरगोश का वहाँ से गुजर हुआ, वो गट्टू मियाँ को खून में लथपथ देखकर परेशान हो गया, वो भागा भागा अपने चंद और साथियों को बुलाकर लाया, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए गट्टू को हादा झाड़ियों से आज़ाद कराने की कोशिश की, इस दौरान में वो खुद भी बेहद जख्मी हुए मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी, आखिरकार वो गट्टू को मौत के मुँह से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। ये आपके सवाल नंबर 4 का जवाब है। आपका सवाल नंबर 5 है, बच्चों इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? आपको पहले 4 सवालों के जवाब मैंने
करवाए हैं। अब आप अगले 3 सवालों के जवाब आप खुद करेंगे और गौर से देखें कि इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा। इस कहानी से बच्चों आपने क्या सबक सीखा, यही कि हमें दूसरों की मदद हर हाल में करनी चाहिए, दूसरों को मुसीबत और मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी में आपको किसका किरदार पसंद आया और क्यों? हाँ जी, ये आपने ज़रूर लिखना है कि आपको किसका किरदार पसंद आया है और उस पसंदीदगी की वजह क्या है, यानी गट्टू का पसंद आया है या कट्टू बेगम का या खरगोश का, किसका किरदार आपको पसंद आया। वैसे ये तालिबे इल्म आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, ये भी सवाल जो है वो आपने करना है और इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से आपने देना है कि आप दूसरों को तालीम में मदद देकर जो है और अपनी किताबें दूसरों के साथ शेयर करके आप उनकी मदद आसानी से कर सकते हैं। पेज नंबर 35 पे आएँ। पेज नंबर 35 पे पहला सवाल देखें। सबक के मुताबिक जो जवाब की निशानदेही में दायरा लगाएं। नन्ना गट्टू नज़र बचा कर दबे पाँव बाहर आ गया स्कूल से, घर से अचानक मौसम के बदले तेवर या मिजाज तेवर। नन्ना गट्टू बाहर निकलकर बड़ी मस्ती और शान बेनियाजी से अपनी सूंड और कानों को झटकता झील से, नहर से, झील से। नन्ना गट्टू जान बचाने के लिए घुस गया झाड़ियों में, गार में। अपने दोस्तों के साथ मिलकर गट्टू को बाहर निकाला हिरन ने, खरगोश ने। अगला सवाल देखिए आप। दिया हुआ वाक्या गौर से सुने और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। बच्चों ये एक वाक्या है और उसके आगे जवाब हैं, जैसे सवालात हैं तो आपने इनके जवाब लिखने हैं। ये तमाम काम आपने, यानी ये आपने वाक्या नहीं लिखना, इसके सिर्फ जवाब जो हैं वो अपनी सवाल और जवाब जो हैं वो अपनी नोटबुक पे ज़रूर लिखने हैं। और जैसे तफहीम होती है वो स्टाइल यहाँ पे है और आपने ये काम भी ज़रूर करना है। सवाल नंबर 5 है, कोई सी 4 अखलाकी बुराइयों और इनके माशरे पर असरात से मुतल्लिक आपने लिखने हैं। 4 अखलाकी बुराइयाँ आपने लिखनी है, यानी निशानदेही करनी है, और फिर माशरे पर उनके असरात के बारे में भी आप लिखेंगे। अगला सवाल है, आपका पसंदीदा खिलौना आपके भाई से टूट गया, आप फिर आप उस सूरत हाल में क्या करेंगे। अगला सवाल देखिए, लाख के गौर से इनको पढ़ें ज़रा। हैरत अंगेज, बदतरीन, सेहतमंद। इनमें अंगेज तरीन और सेहत और मंद जो है वो लाका है, यानी वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में इससे नया लफ्ज़ बनाया जाए और इससे लफ्ज़ के मानों में कुछ इजाफा हो जाए या तब्दीली आए तो लाका कहलाता है। ये देखें नीचे हरूफ दिए हुए हैं और इनकी मदद से आपने यहाँ पर मुख्तलिफ़ लाके बनाने हैं, जैसे हिदमतगार, कारामद, मफाद परस्त, आलमगीर, ईदगाह, चालबाज। पेज नंबर 37 पे आए। हरूफ इल्लत वो हरूफ जिनसे किसी काम का सबब बयान किया जाए हरूफ इल्लत कहलाते हैं, जैसे सो, क्योंकि, इसलिए, के, लिहाजा वगैरह। सारा स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी, आपने हुक्म दिया लिहाजा मैंने तकमील की, मुझे बाजार तक जाना है इसलिए आप इजाज़त दें। उस्ताद ने बच्चों को नसीहत की कि हमेशा सच बोलो, झूठ से इज्तनाब करो। अहमद ने मेहनत की सो इम्तहान, अहमद ने मेहनत नहीं की सो इम्तहान में फेल हो गया। अब आप आगे सवाल नंबर 9 देखें। दिए हुए अशआर से मुतालिक अपने तासरात एग्जाम में मजमून की सूरत में लिखें। यही है इबादत, यही है दीन व ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ये आपने मजमून लिखना है बच्चों। ये इस शेर को अपने जहन में रखते हुए आपने मजमून लिखना है और आप मजमून की मौजू की जगह ये शेर लिख सकते हैं और इसको समझकर, या ये एक हिदमत हल भी है इंसानियत की हिदमत के मौजू के तौर पर भी आप इसके इस पर मजमून लिख सकते हैं। सवाल नंबर 10 है, नेकी से क्या मुराद है? एक नेक फितरत इंसान में किन किन औसाफ़ का होना ज़रूरी है? इनमें से कोई से 5 औसाफ से मुतल्लिक मुख्तसर नोट लिखेंगे। आप एक छोटा सा नोट लिखेंगे और नेकी से क्या मुराद है इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। नेकी से मुराद वो काम हैं जिनके करने से सबको खुशी और फ़ायदा होता है। ज़ाहिर है जब आप नेकी करेंगे तो आपको भी खुशी होगी, आपके घर वालों को खुशी होगी और दूसरों को फ़ायदा होगा। खुशी भी जो है वो फ़ायदे की ही एक सूरत है।
तो ये था आपका आज का लेक्चर जो तमाम हुआ। उम्मीद है कि आप ये तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स पर करेंगे और याद भी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।